हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप कैसे आप सब, आई होप यू आर डूइंग वेल। और नहीं भी होंगे तो हो जाओ, लेकर आता बहुत ही जबरदस्त और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वाला व्लॉग आज के लिए। आज जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है ऑक्शन कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं और कैसे क्या बिल्ड लगती है, कौन कौन सी गाड़ियाँ रहती है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। तो चलते हैं, बने रहो। तो इस वक्त हम जो थे श्री राम फाइनेंस के ऑटो मॉल में, जो कि अमरावती रोड पे है, और हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो गया था ऑक्शन का। देख सकते हैं आप लोग, दिखा तो आपको, देखो हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो गया था इंडियाज लार्जेस्ट फिजिटिकल प्री ओन्ड मार्केट प्लेस। और ये तुम्हारा भाई, ठीक है। तो आप लोगों को सारी गाड़ियाँ दिखाता हूँ और फिर बिडिंग जहाँ चालू फिर हम वहाँ चलेंगे, ठीक है। जब तक के बने रहो। आप लोगों को एक बात बता दूं, इसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है कि ये कहाँ पे होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये अमरावती रोड पे, वाड़ी के आगे दत्ता वाड़ी आता है, उसके आगे लेफ्ट साइड में श्री राम फाइनेंस का बहुत बड़ा ऑटो मॉल दिखेगा। यहाँ महीने में 2 से 3 बार जो है ऑक्शंस होते हैं, उसके लिए आपको जो है 20,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट करना पड़ता है, जो कि रिफंडेबल रहते हैं, और एक 120 रुपये का अमाउंट देना पड़ता है जो रजिस्ट्रेशन फीस रहती है, ठीक है। और रही बात गाड़ियों के पेपर्स की, तो यहाँ पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर 10 व्हीलर 3 व्हीलर 12 चक्का 15 चक्का मशीन पोकलैंड सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। और जो भी पेपर्स वगैरह रहते हैं लाइक RC इंश्योरेंस और NOC वगैरह जो भी रहती है फाइनेंस कंपनी की, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। देखते रहो और गाड़ी दिखाता हूँ, जब तक बने रहो। आप लोगों को एक और बात बता दूं, ये सारी गाड़ियाँ वो रहती है जो लोग फाइनेंस करवाते हैं, और फाइनेंस करवाने के बाद जो है अपने यानी EMIs नहीं भरते, तो उन लोगों की गाड़ी जो है फाइनेंस कंपनी द्वारा उठा ली जाती है, और उठाने के बाद ऐसे ऑक्शन में उसको बेचते हैं, ठीक है। बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, आप लोगों को दिखा दूँ मैं, इधर देख सकते हैं आप लोग, बहुत गाड़ी है, बहुत ट्रक व्रक सारी की सारी बहुत गाड़ियाँ है, ठीक है। तो और भी गाड़ियाँ दिखाता हूँ आपको, और जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे से होंगी मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा, जब तक कि आप लोग बने रहो।
मेरे साथ जो है काशिप भाई भी है, लेकिन इस वक्त उन वो बैठे बिल्डिंग में, उनको बोला मैंने कि आप वहाँ बैठो, मैं थोड़ा सा पब्लिक को दिखा के लाता हूँ यहाँ क्या 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 है और क्या क्या लेने लायक बेचने लायक है। ठीक है, देखते रहो और भी गाड़ियाँ दिखाता हूँ आप लोगों को, बहुत मज़ा आएगा। और जब मैं बिल्डिंग में जाऊँगा आप लोगों को लेकर, जब आप देखना बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, मज़ा आता है वहाँ पर, बने रहो। काशिप भाई बैठे, क्या हुआ बहुत देर से बिल्डिंग में बैठे थे? ऐसा लग रहा है मच्छी बाजार में आ गया हूँ, बिल्डिंग जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर हो रही है बिल्डिंग, तो चलेंगे थोड़ी देर से उधर दिखाएंगे। हम भी बैठे हैं कार के लिए, बैठे ना अपन कार देखने बैठे है। देखो तो आवाज सुनो इनको, सिर्फ तबला बोल रहा आप लोगों को बता दूं मैं, पहले आपको 20,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा जो कि रिफंडेबल है, और 120 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के, उसके बाद आपको ऐसा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके अंदर सारी डिटेल्स रहती है, कौन कौन सी गाड़ी है, कौन कौन सी गाड़ी है, बिडिंग होने वाली है। लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूं, इसके साथ साथ पॉसिबल हो तो कोई जानकार इंसान को लाना जिसको सब समझता हो कौन सी गाड़ी की वैल्यू कितनी है क्या है। ठीक है, जब भी आपको यानी फ़ायदा होगा, आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, नहीं तो मेरे जैसे आ जाएंगे आप, समझता नहीं चले वाला घाट। तो तकलीफ ना हो, जब तक के देखते रहो और भी चीज़ें दिखाते हैं, अभी भीड़ में लेके चलेंगे आपको, तब तक बने रहो। वहाँ पे वीडियो बनाने दिए नहीं, लेकिन जितना भी आपने देखा है वो 2012 की गाड़ी थी, दोस्त टाटा दोस्त, वो गई 160 में। ठीक है, डीजल। अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे, 20 रुपये का पोहा, चाय भी है, और जितना पॉसिबल हो सारी चीज़ें दिखाएंगे। देखते रहो, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये, बने रहो। सो फाइनली जो है आप लोगों को बता दूं मैं कि उन लोग अभी ऑक्शन ख़त्म नहीं हुआ, तो ऑक्शन चालू ही था, लेकिन हम लोग को जो जो जिस जिस पे बिडिंग करे हमको वो गाड़ी जमी तो इनको नहीं जमी, इसकी वजह से हम तो निकल गए थे बाहर। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि सर्विस चार्ज के नाम पे 2.5% लगता है, और जो भी गाड़ी आप लेते हो, ठीक है, और जो 2.5% आप देते हो, 2.5% के ऊपर 18% GST एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, और कुछ काशी पे बताने का रहा? यानी अप्रोक्सीमेट 1,00,000 रुपये पे 3,000-3,500 रुपये कुछ ऊपर लगेगा। ठीक है, और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आप लोगों को, यानी जो कमर्शियल व्हीकल है, आपको जहाँ तक मेरा ख्याल है, जितना मैंने देखा हो सीखा हो आज पहली बार में,
कमर्शियल व्हीकल पे आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप यूज़ करने के लिए भी लेते हो, बेचने के लिए भी लेते हो, जिस भी काम के लिए आप लेते हो, आपको उस पर ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी और कुछ रहा है तो बताते हैं, चलते हैं, देखते रहो। और आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ मैं कि आपको जो है टू व्हीलर फोर व्हीलर वो नहीं बुराएगा लेना, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी आप लोग एक बार आके देख लेना, क्योंकि जो है 120 रुपये तो लगते हैं बैठने के, जो 20,000 रहते हैं वो आपको वापस मिल जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 120 रुपये में इंटरटेनमेंट भी फुल हो जाएगा, सीखने भी बहुत कुछ मिल जाएगा, मार्केट रेट में मिलती है। और कमर्शियल जो है वो कम में मिलेंगे आपको, थोड़ा यानी बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय महाराज, जय यूट्यूब, बाय।